हिमजू का ओके ठीक है। तो आप जो देख रहे हो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, इन्होंने ये जो बड़े पापा है मेरा पिताजी से भी बड़े हैं, इनका उम्र है 100 more than 100 years। ही इज स्टिल वॉकिंग, ही इज ऑल्सो कैपेबल एनफ टू मैनेज ऑल हिज एक्टिविटीज। ही इज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड विद अस विद द फोटोग्राफी सेशन विद द फेस्टिवल साइट ऑल देयर। So it is. Yes, yes. I am here at Konyak Village. That is Chanloisu, and it is the Mon district, Nagaland. Sir, your good name? Chinkim Konyak. Chinkim Konyak, and your father? Manpong. Yes. Okay. Okay, sir. Ani hal hobo eto tole na hoy. Holi bi eto na pauli boli. तो नेक्स्ट सेंचुरी तक निगाह खान कहानी उतो खान कहानी अभी खान नी पूरा लगा तो इतो ऐसे कोई नहीं इतो लगा संबल इतो कहना कुली जीवन मोर तखा बना भूख ऐसे इतो कहानी अभी खान इतो तखा इन्हीं पढ़ना मोरों इतो तखा तो निगाह कुली कोई नहीं इतो बड़ा अभी Hi friends, I am your host Dev Hore. You are watching my channel Ami Bhavogure. I am here at Changloiso village, Mon district, Nagaland. There's the Konyak tribes, they are residing here from years after years and years, and I think the last generation, they are still believing their culture, they are practicing their culture, what they have got from their ancestors, and that is why I have already told you why I am coming here. Why I like documented their semi primitive culture, which is going to force of extinction. जो है कि इनका जो ये कल्चर जो है, ये कल्चर शायद मैं बोल रहा हूँ कि शायद कोई समाज का बात कोई जो है सर्टेन नहीं बोल सकता। मुझे ऐसा लगता है हमारा पुराना जमाने से जो हम लोग इनहेरिटेट किया है, ये नया जमाना जो है ये कभी ये प्रैक्टिस करना नहीं चाहते, क्योंकि इसके लिए थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है, इसीलिए करना नहीं चाहते। लेकिन मैं समझता हूँ हम लोगों का जिसका जो ये है रिलीजियस एथनिक फेथ जो है उसके साथ उनका जो कल्चर्स है जो एंसेस्टर से मिला गया, तो उनको बरकरार रखना चाहिए। तो मुझे लगता है यही इनका शेष पीढ़ी है, जो लास्ट पीढ़ी है, जो अभी तक ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप जैसे दिखा है अभी इन्होंने गाना गाया है, जो गाना है फोकलोर है। फिर मैंने देखा कि फेस्टिवल ग्राउंड में जो लेडीज लोग जो फोकलोर गा रहे थे वो भी है, फिर पॉटरी मेकिंग भी है, फिर जैसे इनका खुद का जो है ये स्टाइल है, वेविंग स्टाइल, जो कपड़े बनाने का जो स्टाइल होता है ये है इनका खुद का है, जो उधर प्रैक्टिस करने के लिए दिखा दिया। फिर क्या दिखाया, जो ये आग जला रहा है जो नेचुरल सोर्सेस से, तब बारिश हो रहा था, इसका अंदर भी कितना मेहनत लगता है आप नहीं समझ पाओगे, कितना मेहनत लगता है आग जलाने में, तो अभी भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इन लोगों को तहे दिल से, मेरा दिल से, बाई हार्ट मैं इनको थैंक्स देना चाहता हूँ, जो इनको इन्होंने मुझे गेस्ट समझ के, रिलेटिव समझ के इधर रहने दिया, खाना दिया, लाभ दिया। तो आप भी अगर आपको जिंदगी में मौका मिले इनका विलेज में आओ, विजिट करो, इनका कल्चर देखो, इनको प्रोत्साहित करो, इनको एनकरेज करो कि जो नया जमाना है वो भी ये थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेता है तो ये आगे जाएगा। और इनका जो है ये एकदम ओरिजिनल है, जो एकदम बेसिक है, इन्होंने जो ड्राम बीट किया है आप देखोगे उसमें कितने सारे आवाज निकलते हैं, वो जो जितने आवाज निकला है वो बिल्कुल शुद्ध सर है, जो है ओरिजिनल ट्यून है, जो पंछी जैसे गाते हैं, जैसे कि कोई जानवर का आवाज होता है ऐसे ही, उसमें कोई मिलावट नहीं है। उसी में भी वो जो लॉक ड्रम बजाया उसमें भी कोई मिलावट नहीं है, वो खुद ये जो आवाज है ये अपने जो धुन है डेवलप किया है। तो इसी का खोज में आया था, मेरा आना इधर एकदम सार्थक
मैं बता रहा हूँ 100%, 200%, 1000% मेरा जो मकसद था ये कामयाब होगा हुआ। मैं जानता नहीं हूँ कैसे ये समाज का, देश का, वो पीपल का काम में आएगा, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने तहे दिल से इन लोगों का साथ रहा, इनका कल्चर को देखने का कोशिश किया, यही मेरा मकसद था, यही है और कुछ नहीं है। आपको और एक बार जो है मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, आप में बड़े हो, सबको प्रणाम है। आप ऐसे ही हंसते रहो, खिलते रहो, आवाज रहो, और जिंदगी में चांस मिले तो आवार और एक बार आपका गांव में आने का कोशिश करूंगा। और जो दूसरा बात है मेरे तरफ से, हम दोनों के तरफ से अगर कोई गलती हो गया तो माफ, कोई भी चीज अगर गलती हो गया तो मैं माफ चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर अनजानी में कोई गलती हुआ, जानकारी में कोई नहीं होगा, अगर अनजानी में कोई गलती हो गया होगा लिखो। Oh, yeah.
Oh,